कैटरीना कैफ के साथ फिल्म करने को तरस रहे हैं विक्की कौशल, कहा काश वो दिन जल्दी आए। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म जरा हट के जरा बच के का ट्रेलर रिलीज भी हो चुका है। फिल्म 2 जून को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने वाली है। विक्की कौशल के साथ फिल्म में सारा अली खान भी लीड रोल में नजर आने वाली है। पहली बार सारा और विक्की की जोड़ी फैंस को बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। फिल्म के ट्रेलर को फैंस का अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब देखना होगा कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन कर रही है। जरा हट के जरा बच के की प्रमोशनल के दौरान विक्की कौशल ने उनकी वाइफ कैटरीना कैफ के साथ फिल्म करने को लेकर जब सवाल किया गया तो इसके जवाब में विक्की ने कहा कि वो कैटरीना के साथ जल्द से जल्द एक मूवी करने की इच्छा बताते हैं। जी हाँ, विक्की कौशल ने एक वायरल वीडियो में कहा कि वो कैटरीना कैफ के साथ काम करना चाहते हैं। हालांकि अभी तक कोई बेहतरीन स्क्रिप्ट ही ऑफर नहीं हुई है। विक्की कौशल ने बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन जल्दी आए जब मैं और कैटरीना एक ही मूवी में नजर आएंगे। मैं बस एक अच्छी फिल्म का वेट में कर रहा हूँ। विक्की के स्टेटमेंट पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी अब सामने आ रहा है। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि विक्की और कैटरीना ऑन स्क्रीन अच्छे नहीं लगेंगे। इसी बीच सभी की नजरें विक्की कौशल और सारा अली खान की जोड़ी पर भी टिकी हुई है। जरा हट के जरा बच के में दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। ट्रेलर में तो सारा और विक्की काफी अच्छे लग रहे हैं। वहीं फिल्म के ट्रेलर में विक्की और सारा अली खान को एक ऐसे कपल की तरह दिखाया गया है जो शादीशुदा लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है और एक दूसरे से तलाक लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारा अली खान और विक्की कौशल की मूवी जरा हट के जरा बच के को देखने के लिए हैं कितने ज्यादा एक्साइटेड, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।